नमस्ते किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि की इंस्टॉलमेंट आपके खाते में आई है या नहीं। अब किसान भाइयों, आपको बैंक में जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल पर भी इंस्टॉलमेंट का पता लगा सकते हैं कि अपने खाते में आई या नहीं आई, और नहीं आई तो उसका क्या कारण है वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करेंगे पीएम किसान। सर्च करके हम साइट पे जाएंगे और एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें पीएम किसान पे हम क्लिक करेंगे। पीएम किसान पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, पीएम किसान सम्मान निधि की साइट खुलेगी जो भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय की साइट है। इसको नीचे जाने पर इसमें आएगा फार्मर कॉर्नर में बेनिफिशरी स्टेटस पे क्लिक करने के बाद, जैसे ही हम बेनिफिशरी स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें हम आधार कार्ड, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर किसी भी एक से हम अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर से स्टेटस चेक करूँगा, इसमें मोबाइल नंबर डालते हैं, डाटा पे क्लिक करेंगे। गेट डाटा पे क्लिक करते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसमें दे रखे हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया, थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया और फोर्थ इंस्टॉलमेंट इनएक्टिव आईएफएससी के कारण नहीं आई है, पांचवी इंस्टॉलमेंट भी नहीं आई है और छठी इंस्टॉलमेंट, सातवीं और आठवीं इंस्टॉलमेंट अकाउंट आईएफएससी के कारण इस अकाउंट में नहीं आई है। तो किसान भाइयों, हम अपने किसान सम्मान निधि के पैसे आए हैं या नहीं इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं आए हैं तो यहाँ पे एफटीओ पेंडिंग रीजन, इसमें प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का रीजन दिया जाता है कि किस कारण से आपके पैसे अकाउंट में नहीं आए हैं। एफटीओ पेंडिंग रीजन में अगर इनएक्टिव आईएफएससी आ रहा है तो इसका मतलब है कि जिस बैंक की शाखा क्या अकाउंट नंबर आपने पहले लगाया था उस बैंक की शाखा के अब आईएफएससी कोड चेंज हो गए हैं, इस वजह से यह समस्या आ रही है। तो इसके निदान के लिए आप मित्र के माध्यम से आईएफएससी कोड चेंज कर सकते हैं और साथ ही तहसील में जाकर आप नए आईएफएससी के साथ बैंक की पासबुक की प्रति जमा करवा सकते हैं। जमा करवाने के कुछ समय बाद आईएफएससी कोड चेंज हो जाएंगे और उसके बाद आपके इंस्टॉलमेंट आना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से हम पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे हमारे खाते में आए हैं या नहीं यह स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।